हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में फिर से आ गए हैं एक ऐसे स्टॉक को लेकर जहां पर कि बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं और एक कगार पर है एक ब्रेकआउट होने के। तो इसका नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आप सभी को पता है बजाज ग्रुप की कंपनी है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और ज़बरदस्त चाल दिखाई भी है ऑफ लेट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। बट फिर भी अभी बहुत ही ऊँचे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैंने पहले भी दिए हैं। HDFC AMC मैंने अभी कल ही की वीडियो में मैंने HDFC AMC भी डाला था, वहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रैक्शन आया है। और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर हमने बात की थी, बजाज ऑटो पे बात की थी, सारे ही स्टॉक्स जो हमने बात की है वो बहुत ही बेहतरीन चले हैं। सूजलॉन में भी आज थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है और जो सपोर्ट लेवल थे वहीं से ही घूमा है सूजलॉन, तो वो भी ध्यान रखिएगा, अपने रडार पर रखिएगा। इसके अलावा इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि आप स्किप किए बिना ये वीडियो देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है और बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ होते हैं और हम क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों लेवल्स की बात कर रहे हैं, टारगेट्स की बात कर रहे हैं और स्टॉप लॉस की भी बात करते हैं। ऐसा ना हो कि आपसे स्टॉप लॉस छूट जाए और आप टारगेट देख के ही सिर्फ पोजिशन बना लें और स्टॉप लॉस ना लगाएं। इस तरह के मार्केट में आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, स्टॉप लॉस बिल्कुल कायदे का रखिएगा, सो दैट आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बच जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे साइड से। तो आज बजाज फिनसर्व पर बात करते हैं। बजाज फिनसर्व का ये मैंने डेली का चार्ट लगाया आपके सामने और डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन एक ये राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ये आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट अभी आया नहीं है, आने के कगार पर है और वो कहाँ पर आएगा वो देख लेते हैं। वो आएगा कुछ 1665 1670 के आसपास, वहीं पर आज जाके इसने नीचे आया है, वहीं पर ये हो सकता है थोड़ा नीचे अगर कल भी आए तो ऐसा ना हो कि ये डबल टॉप बन जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर ये 1670 के ऊपर चलना शुरू हो जाए, 1665 1670 के ऊपर चलना शुरू हो जाए, उसके जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक बार कन्फर्मेशन आ जाए या फिर ये ऊपर जाके रीटेस्ट करे तब आप उसमें पोजीशन बनाइएगा। तो 1665 वाला जो लेवल है थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस लेवल पर अगर ये पोजीशन ये लेवल काटता है और ऊपर चलना शुरू होता है तभी आपको पोजीशन बनानी है, इससे पहले नहीं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पड़ाव देखते हैं, नेक्स्ट पड़ाव इसमें इमीडिएट हर्डल जो देखने को मिलता है वो है 1740। 1740 के बाद सीधा आपको 1800 रुपये तक की जर्नी देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो बजाज फिनसर्व बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हालांकि इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसमें बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चैनल आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चैनल है। इस तरह के जो भी चार्ट्स मेरे रडार पर आते हैं वो आप सभी के साथ मैं डिस्कस करता हूँ और वही आज भी हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आपकी कोई भी पोजीशन लेने का मन हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, विदाउट दैट प्लीज़ डू नॉट टेक एनी पोजीशन। डिस्क्लेमर इसमें यह है कि मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप एक बार 1660 1663 1665 का लेवल जो भी है वो टूट जाए, उसके बाद अगर ये ऊपर चलना शुरू हो तो 1660 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो कि कायदे का स्टॉप लॉस हो जाता है आप लोगों के लिए और इसमें बिल्कुल पोजीशन बने रहेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के दिया भी है पास्ट में बजाज फिनसर्व ने और आने वाले टाइम में भी आपको अच्छा खासा पैसा देखने को मिलेगा इसमें, तो थोड़ा संयम रखिएगा। अगर आप इसका RSI का भी नंबर देखते हैं तो RSI का नंबर भी 68 चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वीकली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं अगर कुछ पैटर्न उभर कर आ रहे हैं या नहीं, तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा बहुत ही एग्जैक्टली इसी लेवल पर 1660 1665 के आसपास ही ये रेजिस्टेंस है। अगर ये टूट गया यहाँ पर रेजिस्टेंस तो बहुत ही अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, जो आपको 1800 तक की जर्नी देखने को मिल सकती है और 1800 के बाद 1900 रुपये तक की भी जर्नी देखने को मिल सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो, क्योंकि यही एक लेवल है जो कि अभी निकला नहीं है 1670 1665। अगर ये निकल जाता है तो बहुत ही अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर RSI का नंबर वीकली के चार्ट पर भी 66 है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया लेवल है। तो दोनों ही पैरामीटर पर, वीकली के चार्ट पर और डेली के चार्ट पर ही इसमें पोजीशन बना सकते हैं और अच्छी पोजीशन बन सकती है 1665 1670 के ऊपर। तो ये आज का स्टॉक हो जाता है बजाज फिनसर्व। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं क्वेरी, आई वुड डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू विद दोज क्वेरीज एज वेल। बट
आप मुझसे इसी तरह से जुड़ भी सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।